हेलो जी माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग? तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ पे हम बनाने जा रहे हैं आम की खट्टी वाली अचार। तो इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है कच्चा आम। आप इस तरह से कच्चा आम का इस्तेमाल करें। हमने कच्चे आम को छीला नहीं है, बल्कि छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। इसको छान लेंगे और फिर हम इसको धूप में सुखाएंगे। तो मैं आ गई हूँ छत पे, यहाँ पे हम कपड़ा बिछा लेंगे। तो कपड़े को मैंने इस तरह से बिछा लिया है और यहाँ पे आम को थोड़े थोड़े दूरी पे इसको फैला लेंगे। आज का जो हमारा मौसम है वो बहुत तेज़ धूप पड़ रहा है, अब इसको धूप में ही सुखाएं तो ज़्यादा बेहतर है। तो आम जो है वो हमारा बहुत अच्छे से सूख चुका है, बिल्कुल कड़क हो चुकी है ये। तो इसको ये बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है, तो हम इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। तो हमने यहाँ पे लिया है एक बर्तन। बर्तन हम थोड़े बड़े साइज में लेंगे ताकि हम उसमें मसाला जो ऐड करेंगे तो अच्छे से उसमें हम उसको अच्छे से कर सकें, ठीक है? तो यहाँ पे हमने आम को ले लिया है। आम लेने के बाद हम यहाँ पे डाल देंगे नमक। नमक आप थोड़ा ज़्यादा ही डालें क्योंकि इसमें जो नमक होता है वो धूप में सुखाने के बाद कम हो जाता है, तो थोड़ा ज़्यादा ही डालें आप। यहाँ पे हमने डाल दिया है हल्दी। हल्दी का पाउडर डालकर आप इसको अच्छे से मिक्स कर दें। मिक्स करने के बाद हमको इसको पूरी रात भर ढक के रखना है। इसको अभी बनाना नहीं है, बल्कि पूरी रात हम इसको ढक के रखेंगे। जब ये पूरी रात सोक हो जाएगा, अच्छे से फैल जाएगा, तब हम इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए हम बना लेते हैं इसकी जो है मसाले। तो मसाले के लिए हमने यहाँ पे लिया है अचार का जो मसाला पैकेट में आता है, वो वहाँ पे सारे मसाले ऐड किए हुए रहते हैं। वो आप चाहे तो उसी को इस्तेमाल करें या फिर घर पे ही सारे मसाले को ऐड कर लीजिए। तो यहाँ पे हमने लिया है एक एक पैन, और हमने उसको गैस पे ऑन किया और गैस पे रख के, और हम उसको इस तरह से चलाते रहेंगे। हमें उस पर तेल और कुछ नहीं डालना है, बल्कि उसको चलाते ही रहना है, ठीक है? तो हमारा और उसे मिक्सर में पीस लेना है। यहाँ पे हमने ले लिया है तेल। तेल को आपको ज़्यादा ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो तेल जो है वो हमने सरसों का इस्तेमाल किया है, और इस तेल में हम ऐड करेंगे वो मसाले जिसको हमने भुना है और फिर उसको मिक्सर ग्राइंडर में पीस लिया है। तो हमारा जो तेल है और मसाले वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, और ये जो हमारा आम है वो रात भर हमने इसको इस तरह से छोड़ दिया था, तो पूरी रात ये इसी तरह रहा है। अब हम इसको आगे तैयार करते हैं। तो यहाँ पे हमने मसालों को ऐड कर दिया है, और मसाले ऐड करने के बाद हम इस तरह से इसको अच्छे से मिला लेंगे। इस तरह से हमने एक जार ले लिया, प्लास्टिक का जार है ये। आप चाहे तो कांच की बोतल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे अचार को डाल दिया है, और हम यहाँ पे डालेंगे लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च और नमक। ऐड करने के बाद इस तरह से आप हिला दें ताकि वो अच्छे से पूरे में मिक्स हो जाए। और आप देख सकते हो ये जो मसाले हैं वो बहुत अच्छे से हमारे अचार पे मिक्स हो चुके हैं। तो आप इस तरह से इनको बनाइए। और जो है इसमें तेल ज़्यादा लगता है, तो इसमें हम और भी तेल ऐड करेंगे। तो जो हमारा तेल है वो हमारे अचार से बिल्कुल लेवल में होना चाहिए, तभी जो हमारा अचार है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। तो तेल डालने के बाद हम इस तरह से इनको बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे अच्छे से, और फिर क्या बोलते हैं इसको, आपको धूप में सुखाना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो हमने जो तेल है वो इसमें ऐड कर दिया है। ये जो हमारा अचार है वो बिल्कुल बन के रेडी हो चुका है। तो आप इन हम इनको धूप में 2 से 3 दिन रखेंगे, ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा। आप इस तरह से एक दफ़ा बना के ज़रूर देखिएगा, ये बहुत टेस्टी लगते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।